3, 2, 1। हमारा क्या कचरा ही लग रही हो। कोई बात नहीं, खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, फिर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और साथ इसे ना प्लेट में ला दूंगी। स्टील की प्लेट में प्लास्टिक की मैंने ना इसमें नहीं बनाया, तो आपके लिए बहुत मेहनत की है, बस आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। अब मेरी बर्थडे फिर आने वाली है, देखते हैं सब मुझे क्या देते हैं। ठीक है, इस बार तो स्पेशल बर्थडे का होगी मेरी, बस आपको कैसे लगे बैठे बैठे मिल गए इतना मजेदार कबाब, अब इतनी गर्मी में कोई ना बनाए। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम है आपका लाइव विद मरियम में। तो कैसे हैं आप सब, मेरे सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और मैं बहुत दिनों के बाद मतलब 1 वीक के बाद आज वीडियो शूट करने लगी हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो कोई ऐसी वजह नहीं थी, लोग पूछ रहे थे मरियम क्या हो गया आप इतनी लेट हो गई हैं, कोई ऐसी वजह नहीं थी। मैंने आप लोगों से कहा था कि ईद के बाद मैं थोड़ा गैप दूंगी बीच में, फिर उसके बाद देखूंगी मौसम सही हो, मौसम को ठीक नहीं हुआ, बारिश भी हुई है, इतना बस हो गया, इतनी गर्मी है, अभी तो कोई मौसम ठीक नहीं है, तो बरसात का मौसम भी आ गया समझो। तो जब ये काम तो हमने करने करना है, तो आज मैंने फिर सोचा मैंने कहा वीडियो शूट करती हूँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरा जो आज मैंने मुकम्मल करना है। ईद भी गुजर गई, सारे काम हो गए, बस एक काम रह गया, तो उसकी मुझे टेंशन लगी हुई है, मैंने आज काम करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरे इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से मेरी हर न्यू वीडियो तक पहुँचेगी, मेरा इंस्टाग्राम में फोटो करके प्रॉपर मिल जाएगा। तो बस, तो आज अम्मी के लिए मैं एक स्पेशल चीज़ भी बनाने लगी हूँ अम्मी की फरमाइश पर। तो आज मैंने वो चीज़ पहले बना लेनी थी, मैं ईद पे बना लेनी थी, तो बस कुछ वजह थी हम लेट हो गई, वजह मैं आपको बाद में बताती हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए अम्मी से मैं आपको मिलवाती हूँ, अम्मी यहाँ बैठी हुई है, देखिए देखिए अम्मी को। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आपको ना लोग बहुत लाइक आ रहे हैं, आपके आपके फैंस बहुत ज़्यादा है, लोग मुझे कहते हैं हम ना आंटी की जैसे वीडियो देखते हैं। मैं ये बानी तो अच्छा, पहले ना मरिए मुझे ये बताओ कि तुमने ये सामान कब सारा कवर करना है। मैं बस ईद भी गुजर गई ना, तो मैंने गर्मी गर्मी कर रही है, काम नहीं कर रही है, अपने कपड़े सारे ना सेट करो। आज फिर कपड़े सेट करूँगे, फिर न्यू हमारी सेटिंग कर लूँगी सारी, क्योंकि ईद की वजह से ये था एक शॉपिंग के जरिए थी ईद पे, हमने मतलब बिजी हो गए काफ़ी, मेहमान भी आए और साथ कुर्बानी की वजह से तो गर्मी भी इतनी थी, बिजी हो गए। उसके बाद मैंने बीच में गैप दे दिया, मैंने शूट नहीं किया, तो फिर ना कुछ मैं चीज़ें मेरे अखिली अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो कपड़े रह गए मेरे, तो फिर मेरे लिए ना आज ना वो बनाओ चपली कबाब। चले देख पेशाबली चपली कबाब खाते हो, और मैं पूछती हूँ अभी से आज इसका क्या मतलब होता है, वो मैं वीडियो के बाद पूछूंगी। अच्छा वो ना तो तो जैसे कहो पता है अम्मी, मैं लेट ही हो गई, लाइव दामना में भी शूट था और साथ मोमना दी में भी शूट था और साथ लाइफ स्टाइल रेस्टोरेंट मूवी मेरा भी शूट होते हैं, तो इतने मेरा एक काफ़ी बिजी थी, कपड़े सारे बिखरे थे। आज मैं सारे इतने दो के कपड़े ना सारे हैंग करने लगी हूँ, सारे एक दिन निकाला है मैंने, तो आज मैं कपड़े हैंग करूँ, कपड़ों की सारी सेटिंग आप लोगों को दिखाऊंगी, अपने अलमारी में किस तरह सेट किए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे डीएम कर रहे हैं, आपकी अपने न्यू अलमारी की सेटिंग दिखाई है, किस तरह आपने दी है, किस तरह आपने चीज़ें रखी हैं। इससे पहले मैं बॉक्स लेके आई थी, आपको याद होगा, वो मैंने आप लोगों से कहा था सेट करके आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी, उसमें मेरे काफ़ी चीज़ें आई हैं, आपने बहुत इतना फजूल नहीं है, बहुत अच्छा है वो। तो इंशाल्लाह ये हमारी इसका गट भी अच्छा होगा, इसे यूज करके हम देखने में भी अच्छी है। हाँ, तो पता क्या था, मैं क्यों लेट हुई, इसलिए लेट हुई कि मेरे लोग लगवाने थे, अभी तक नहीं लगवा सकी, तो मैंने कहा मैं तो मैं अपनी चीज़ें रख लेती हूँ अंदर, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं बच्चे बच्चे नीचे से वो नहीं बने हुए छेड़ते हैं बच्चे इस वजह से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, चाय बनाओ आपके लिए, चाय पहले बनाओ, चाय बनाओ, फिर उसके बाद फिर अभी वो चीज़ लोग पहले नहीं, पहले अभी चाय बनाती हूँ फिर स्टार्टिंग करती हूँ हमारी, ठीक है, पहले चाय के लिए। हाँ देखिए यहाँ पे अम्मी और मेरे लिए चाय रेडी हो चुकी है, हमने लाइट सी चाय बनाई है और मैं कप में डालती हूँ। तो चलिए जी, चाय रेडी हो गई है, शाम के टाइम अम्मी और मैं हमेशा चाय पीते होते हैं, थोड़ी सी पिए या ज़्यादा, थोड़ी सी तो लाजमी ही है, इतनी मेरी याद बनाई है, ज़्यादा बना दी मैंने चाय, इतनी ज़्यादा ही है। तो एक और बात है कि इस चाय में मैंने नो शुगर है, ये थोड़ी सी बैन डाल दी थी, आज नो शुगर है, क्योंकि अम्मी की शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, आज मैंने भी थोड़ा किया कोई चीनी वाली चीज़ नहीं खानी, मीठी चीज़ नहीं खानी है, मैंने कोई भी प्रेस नहीं किया, और एक तरीका ही होता है, और ना वैसे भी ना इतनी मुश्किल से ना हमने मैंने आदत डाली, ना मैं भी चीनी के बगैर पी सकती थी, पता नहीं किस कदर मैंने मुश्किल से आदत डाली है, आप पी लेती हूँ, आप ईजी है मेरे लिए, बस हम चाय पीते हैं, हम तो बस आप भी और मैं हम लास्ट चाय पीते हैं, कोई और नहीं, चाय बनाई है मैं ना पीती हूँ लाइट पत्ती, हाँ
मैंने पूरा नहीं दिया इसलिए कि मैं तो एग्जैक्ट रहता हूं भी मैंने खा क्या हो कुछ नहीं खाता ही नहीं फेंक देता तो चले बस मैं भी खाओ खाओ चाय के बाद फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं ठीक है मेरी चाय हमने पी ली है चाय का बहुत मजा आया बिना सर में दर्द हो इसी कुछ फर्क पड़ गया इस तरह हमें तो चाय ना अपना मुझे दिल खुश कर देती हूं मैं तो बस अपने आप को बड़ी खाती हूं कि इतनी चीज मैंने अभी स्टार्ट की है कितनी जा रही है तो कपड़े जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी गर्मी है ना मुझे देख के ना चीजें घबराहट हो रही है उठाओ सारा तो आशा मेरा शूट कर रही है आशा चुप है तो पहले अलमारी की सेटिंग तो आशा ना मेरी करते हैं ना तो आज मैं आशा से हेल्प लूँगी और उससे पूछूंगी मेरे कौन कौन से कपड़े हैंग करने हैं कौन से तैयार करके रखने हैं ठीक है जो घर में पहने हुए कपड़े होंगे उसमें तैयार करके रखेंगे जो आने जाने के लिए शूट भी होंगे मैं हैंग करूँगी कुछ कपड़े मैंने हैंग कर लिए ये देखिए ये तो मैंने पहना नहीं अभी तक ये देखें जो मैंने कही थी ईद पर ये अभी तक नहीं पहना तो मुझे लगता है मैं छोटी ईद पर पहनूँगी अब हो सके क्या तो पहले पहन लो अभी कुछ नहीं पता तो बस इसे मैं ऐसे हैंग करती हूँ इस तरह ऐसे हैंग हो गया और जहाँ पे मैंने नीचे जूतियाँ रख ली हैं तो बताओ अच्छा किसे सही किया कि गलत किया मैंने एक एक शर्ट मेरी लंबी है बाकी सारी मतलब मतलब लॉन्ग है एक शर्ट मेरी और बाकी सारी शॉर्ट है पता मैं तो यहाँ कभी जूतियाँ मैंने एक्स्ट्रा जूतियाँ रख दी हैं एक्स्ट्रा जो मेरी इस्तेमाल की हैं समर की जूतियाँ बाकी मैंने जूतियाँ अपने बॉक्स में रखी हैं चलो ठीक है तो जो ये वाला हाल है ना इसमें मैंने कुछ छोड़ दिया है उसके बाद में थोड़ा मुझे सब सेटिंग हो जाएगी तो ऊपर मैंने कपड़े थोड़े बहुत रखे हैं फैंसी कपड़े रखे हैं ठीक है ना अब मैं इस इसके अंदर ना हैंड करती हूँ कपड़े जो मैंने ये भी पहना था ये वाला सूट ये देखिए ये वाला सूट ये पहना था मैंने इसे मैं अब सेटिंग करने रही हूँ ठीक है इसके दुपट्टे की सेटिंग करके इसे अंदर रखती हूँ ये वन पीस ही था वन शर्ट पीस तो साथ इसका दुपट्टा था इसका ट्राउजर कुछ नहीं था नीचे तो मैंने जिसे सूट के साथ मैच किया था इसको मैं सेट कर दूँगी ये बस यहाँ तंग आया यहाँ ध्यान है आप कपड़े निकाल दे ध्यान मेरे पास आ जाओ जो कपड़े मेरे ईद के आए मैंने साइड पे कर दिए ठीक है और अब ना ये वाला जल्दी लगा लो सारे अभी कुछ नहीं एक से दिया था क्योंकि मैंने बहुत कम पहना है मैंने सब ना आमना के फंक्शन पहना था लगे आमना के फंक्शन में उसका सूट पहना था मैंने उसके बाद में कभी नहीं पहना ये मुझे बहुत लूज है बहुत लॉन्ग है लूज है ये भी मैंने हैंग कर दिया किसने दिया था ये बताया नहीं मुझे आशा ने दिया था तो कब दिया था मेरे बर्थडे पे दिया था तो अब मेरे बर्थडे पे डालने वाली है अब देखते हैं सब मुझे क्या देते हैं ठीक है इस बार तो स्पेशल बर्थडे पे होगी मेरी बस स्पेशल करने वाले और बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा बस उसमें बस दुआ करें सब कुछ है खाली इससे जाए और ये भी मैंने हैंग कर दिया कपड़े मैंने सेट कर दिए अपने ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेड आई थी हमने दिया था आपको याद ही होगा ये पसंद और ये कलर मैंने क्यों पसंद किया था आपने कौन सा ये कलर उसमें उसके पास कोई ऐसा नहीं था मतलब वो सारे थ्री पीस ना दिखे ज्यादा तो उसमें ये कलर भी बेस्ट कलर है इसलिए मैंने ये दिया तो मम्मी को ये कलर बहुत पसंद है गर्मी थी ज्यादा तो ये मैं आगे लगाऊंगी इसको ये पहन चुकी है बहुत कम पहना है इसे मैं पीछे रखूंगी ठीक है तो आ गया ये वाला सूट याद होगा आपको ये सूट का आशा ने पहना था आप मुझसे देखिए तो आज देखो मैंने आशा ने पहनना था मुझे वापस किया था उसमें दो के फिर मुझे हैंग कर दिया प्यारा है ये इसकी मैंने केयर की है ना इसलिए ये गाड़ी में आया ये दो तो ये अभी पहनना तो था नहीं बस आशा को देना नहीं कभी बाड़ी आती पहनने की ये नहीं घर में पहनना तो कपड़े खराब हो जाए कपड़े नहीं अम्मी ऐसे फिट है फिट है चैलेंज है मेरा इसलिए मैंने रखा हुआ है बड़े ये मुझे दे दें आप मैं अपने पास रख लूँगी ये लूज है तो मैं कहती हूँ गर्मी बहुत ज़्यादा कहीं जाना हो तो ये पहन लिया करूँ आप ले सकती हैं यहाँ से ठीक है यहाँ हैंग किया है तो चलें सकती हैं जब चाहे आप पहन चलें चलें और मैं अपनी चीज़ों की बहुत सारी केयर करती हूँ इस तरह मैं खाया मैंने देखा आप चलें आपने सिर्फ ऐसे तय करके रखा था मैंने वापस देखे फिर मैंने इस तरह खड़ा किया ठीक है चलो अब जो बाकी कपड़े हैं ना मेरा बार में सेट करती हूँ उससे पहले मम्मी के लिए बना लेंगे अभी तो भूख लगती है अभी बहुत जल्दी भूख लग जाती है मम्मी के लिए लंच रेडी करती हूँ ठीक है आशा फिर मैं बाद में कपड़े सेट करती हूँ अपनी पूरी अपनी वार्डरोब ना आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह मैंने सारी चीज़ें लगाई हैं अभी भी आशा मुझे शक है कि अभी भी चीज़ें काम मतलब जितना कम है मैं तो सोच रही हूँ मैं सोच रही हूँ तीन हालों वाली हुई आती मैं और यहाँ रख देती मैं इधर जैसे कहती थी वो चीज़ें पूरी आ जा रही थी अब थोड़ी सी चीज़ें हैं
काफी चीजें मैंने बांट दी हैं, तो थोड़ी सी चीजें हैं जो अपने रह गई हैं, दो तीन बैग रह गए हैं, एक ये बैग है, तो जो नीचे पड़े हैं ये बैग है बस। तो अब नाशा ने सही कहा था कि मरियम तुम्हें ये बीमारी भी कम हो गई, तो कोशिश यही है कि ज्यादा चीजें ठीक है, जो मुझे पी आर एस है सारे में बांट दी है, और जो चीजें थोड़ी सी बहुत हैं बॉक्स में मैंने सारे पी आर एस में सेट कर दी हैं मैंने। चलो ठीक है, किचन में जाके आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करती हूँ, हमें की पसंद है, खुद पसंद है चीज़ें बना रही हूँ, जो भी पसंद करती हूँ, और मैं शौक से करती हूँ। अच्छा खाती हैं नहीं, तो जब बनेगी तो फिर आपको खुशबू आएगी, आपको नहीं मुझे नहीं पसंद। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ किचन में। तो चले जी, अपना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि चपली कबाब बना रही हूँ मैं पेशावरी, तो बहुत स्पेशल बना रही हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। आज यह कीमा दिया है मैंने, ये 1.5 किलो कीमा है, तो इसमें ना हम ना ये प्याज और साथ टमाटर और साथ ये अदरक और हरी मिर्चें, इनको हम चॉप कर लेंगे, प्याज पानी निकाल देंगे, टमाटर को भी मैं चॉप कर लूँगी, और इसके बाद धनिया लेंगे इसके अंदर। जो मसाले हमने ऐड करने हैं ना वो ये है सूखा धनिया और साथ जीरा और काली मिर्ची, इनको मैंने ना फ्राई करना है मैंने। आशा को बताइए और ये फ्राई नहीं होता, रोस्ट होता है, रोस्ट होता है जिस तरह मैं करती हूँ ऐसे। और मैं जब भी अक्सर जैसे कबाब बनाऊँ मैं इसमें मसालों को ना लाजमी वो करती हूँ, थोड़ा रोस्ट करती हूँ, उसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। और इसके अलावा नमक, लाल मिर्च पाउडर और साथ गर्म मसाला है, ये हल्दी है, और थोड़ा सा चाट मसाला भी डालना है हमने, और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, इसका जायका टेस्ट और बहुत मज़ेदार होता है, तो इससे ये स्पाइसी होगा। ठीक है, और थोड़ा सा हम डालेंगे सिरका, और जो एक स्पेशल चीज़ होती है ये देखिए, इसमें डालेंगे हम बेसन 2 चम्मच डाल देंगे, और लोग अंडा भी डालते हैं लेकिन मैं अंडा नहीं डाल रही क्योंकि मौसम ऐसा है कि ना हमने मना कर दिया, मेरी अंडे की हमें स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो ठीक है फिर अंडा नहीं डालूंगी मैं, आप लोग डाल सकते हैं आपकी मर्ज़ी। तो बस मैं इन चीज़ों को ना ये इन चीज़ों को रोस्ट करती हूँ, और इस प्याज को चॉप करती हूँ, उसको पानी में डालती हूँ, और कीमे में ऐड करती हूँ, बस ये काम है, छोटा सा काम है। तो अच्छी कैसे इतनी गर्मी कैसे शुरू होगा, हल्की आँच में हमने चीज़ों को रोस्ट करना है तवे पे, ठीक है ना। अब मेरा हाल देखो, किसी में से इतना हाल है, कपड़े ऐसे गीले हो गए हैं, पहले से पानी कहाँ से आ रहा है, देखो कपड़े इतने गीले हो। चलो मैं रोस्ट करती हूँ, चला तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है पहले से ही, अच्छा जरा घर चले गई थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह करती हूँ, तो सब लोग शौक से देखते हैं। साबुत धनिया साबुत सुबह धनिया सारा हो जाएगा, मुझे लगता है इतने डाल देते हैं, बारी बारी सारा कुछ रोस्ट करके मैं तो कभी कभी ऐसा कई सारी चीज़ें कट्ठी डाल देती हूँ, कट्ठी डाल देते हैं ऐसा टाइम हो जाएगा, गर्मी बढ़ी है, ये थोड़ा सा जीरा हो गया सही है, इतना बराबर एक एक मतलब चीज़ें बराबर रखनी है, चलो जीरा हो गया इसे साइड पर था, और साथ ये हैं काली मिर्ची सही है, इतनी थोड़ा थोड़े सब कुछ डालना है, तो इसे हल्का सा इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, फिर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी, और साथ इसे ना प्लेट में डालूँगी, इस चीज़ की प्लेट में प्लास्टिक की ना शीशे की, तो बड़ा महंगा इस वजह से, ठीक है ना, इसलिए हल्के की। तो आप सब ऐसे करते हैं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा इस तरह बनाते हैं जब मसाला तैयार करते हैं, तो बस थोड़ी सी मेहनत होती है, बस मेहनत क्या होती है, गर्मी की वजह से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। गर्मी हो गया, अदरक लहसुन हो चुका है, अब मैं इसे निकालती हूँ, इसमें ग्राइंड नहीं किया था, हमें ग्राइंड का काम होता है तो पानी बन जाता है, ये देखिए मैंने इसमें निकाल दिया है, ये देखिए अच्छा लगता है, जल्दी हो गया, अच्छा तरीके से हो गया, इसमें साइड पे करती हूँ, और ना अब ना मैं रखता करती हूँ, मैं प्याज की कटिंग करती हूँ सही है, प्याज की कटिंग करके ना फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे प्याज की कटिंग करके चॉप करूँगी, प्याज में ज़्यादा टाइम लगेगा, आप फिर ज़्यादा गैप ले लें आराम करें, मैं जा रही हूँ। तो मैडम कहाँ तक पहुँची और हाल तुम्हारा क्या, चढ़े लग रही हो? कोई बात नहीं, बालों का देखिए हाँ, का फल मीठा होता है तो मेहनत में कर रही हूँ, कोई बात नहीं, बहुत मजे की चीज़ है ना, मेरी बहुत ज़्यादा खुशी अच्छा मैं बनाऊँ, तो प्याज हो गए, लहसुन गर्मी इतनी है, प्याज का पानी मैंने चोट लिया है, ये सबसे मेहनत वाला काम था जो मैंने अभी किया है, और साथ अदरक लहसुन भी हो गया मैंने, इसमें इसको ना कूट किया, प्याज का पानी हाथों से निचोड़ा है, चलिए अब ना टमाटरों को कटिंग करूँगी, टमाटर का जो स्टाइल है ना जो ऊपर लगाते हैं लोग, मैं वैसे नहीं लगाऊंगी, मैं अंदर ही इसको कर दूंगी, सब कुछ मिक्स करूंगी, जो मसाले सब टमाटर चॉप करके उसमें डाल दूंगी, और ये हरी मिर्ची भी मैं चॉप करने लगी हूँ, इसको भी सब कुछ करके ना फिर मैं आपसे मिलती हूँ, सारे मसाले रेडी हो जाएंगे, और ना उसके बाद फिर ये जो हमने किया और रोस्ट किया वैसे मैं ऊपर ढक्कन रखती है, फिर मैं बाद में खत्म वाले ये बना लूँ, ठीक है। तो प्याज मैंने कट किया तो सब बच्चों की आंखों में प्याज चला गया, किचन में प्याज कट हो रहा है बाहर पानी चला गया आंखों में, प्याज का पता नहीं अब कैसे हो गया, कुछ प्याज ऐसे होते हैं आंखों में पानी चला जाता है, मेरी नहीं आई बच्चों क्या हो गया, अपना वो भी हो गया। अब मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी की लाल मिर्ची भी अच्छा डाली थी, तवा थोड़ा सा गर्म था बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डाली है, थोड़ी बाद डालूंगी, अब मैं इसमें निकाल रही हूँ इसको सही है, इसको निकाल दूँ इसमें से मैं जल्दी में इतनी गर्मी में से बोला भी नहीं जा रहा, बट डबल फुल बोली जा रही, अब मैं इसको करने लगी हूँ, इसको कूटने लगी हूँ, ठीक है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, चलो इसे कूटो। हाँ
अभी ना थोड़ा सा मैंने करना है, दो बज को है ना, कल बच्चे हैं वो जरा से थोड़ा से पहुँचाए। ठीक है, स्कूटने के बाद मिलते हैं। ठीक है, हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। नहीं, ज्यादा होगा अभी। कहाँ, यहाँ मरियम ने जो रोस्ट किया था वो भी हो चुका है। हाँ। मतलब कूट ली है सारा मसाला। आप मसाले को इसमें निकाल देंगे, किस तरह निकाल देंगे। अब हमारे फैमिली की सेकंड शेफ मरियम बन गई है। आगे आंवला बेस्ट रहेगी सारी जिंदगी। मैं इतना नहीं बन सकती जितनी आंवला है। आंवला को बेकिंग की चीज़ बहुत अच्छी बनानी आती है, मुझे नहीं आती है। अच्छा, कोशिश तो कर रही है। बस अब मैं कीमा निकाल के फ्रिज से चले आंवला कीमे में ये सारा मसाला डालना, फटाफट डालना, टाइम नहीं है। टाइम का मतलब सारा कुछ ये स्पाइसी चीज़ें मैंने डाल दी। अब इसमें डाल लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें जाएगा अब चौक किया हुआ प्याज, इससे टमाटर, हरी मिर्च चॉप्ड, इसको मैंने तोड़ दिया था हरी मिर्च, वो मुँह में आ रही थी। कुछ लोग आपके हाथों में मिर्च लगेंगी, जल्दी करें। मैं बस लेके पैन में लेके आई हूँ मैं यहाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। और ये क्या है, हरा धनिया? अनारदाना नहीं डाला आपने? अनारदाना मैंने खाती हूँ। अनारदाना वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, लोग डालते होंगे, लेकिन ना ये पेशाब में बाल हैं, इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा सिक्का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक चम्मच। सही है, थोड़ी खटास आ जाएगी। और नमक डालना है इसमें। अब नमक काशी मुझे बताएं, मैं एक चम्मच डालूँ कि मैं समझ नहीं आ रही। इतना 1.5 किलो है कीमा, मैं यहाँ से 2 चम्मच डालते हैं। ठीक है, बाद में चेक करेंगे। वैसे भी मेरी लाइट खाना है, मैं तो इस तरह स्पाइसी बना रही हूँ आज। वो टमाटरों का भी नमक है और साथ सिरका भी डाला, थोड़ा चाट मसाला भी डालना है। इसकी 1 चम्मच डालती हूँ बस। सही है, क्योंकि हमने ब्लैक पेपर भी डाला है और साथ छोटी लाल मिर्चें भी, थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर, ज़्यादा नहीं छुटकी। सही है, थोड़ी सी इसमें डालनी है हल्दी, इस तरह डाल देती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं छोड़ा। ठीक है, छोटी जो लाल मिर्ची है ना वो तो हमें थोड़ी रोस्ट में भी डालनी है ना, हमने इस थोड़ी इसमें भी डाल देंगे। ठीक है, वैसे थोड़ी इसमें डालेंगे, आधी इसमें डाल देंगे। ठीक है, और ये है चाट मसाला, चाट मसाले का भी ना हाफ चम्मच हमें डालना है बस। ठीक है ना, चले मसाले में काफ़ी डाल रही हूँ डर डर के, यहाँ ना स्पाइसी ज़्यादा ना हो जाए। कोशिश मेरी यही है स्पाइसी ज़्यादा होना चाहिए। अब मैं क्या करूँ, बस ठीक है, ये थोड़ा सा बेसन डालो। बेसन के ना ये देखिए मेरे पास में इसके ना 2 चम्मच होंगे, ये देखें 1 चम्मच ये हो गया, और 2 चम्मच हमें डाल दी बस। चल 2 चम्मच एक ही हो गया। अब इसे भी मिक्स करना अच्छी तरह। और मेरा इसके लिए मैं ग्लव्स लेके आई हूँ, शायद मिल गए हैं, बहुत मुश्किल से मैं सोचती थी जो चीज़ हम रखते हैं मिलती नहीं है, जब काम हो मिलती ही चीज़, और आज शुक्र मिल गई है। इसमें डाल के मेरे हाथों में तुम्हें ग्लव्स हो गए, मुझे लगता है ग्लव्स छोटे हो गए, मेरे हाथ बड़े हो गए। चले 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 फिर जल्दी करना, कुछ नहीं था काट गया, इसे मिक्स करने लगे बस। अब मैंने ग्लव्स के बगैर ही काम किए हुए हैं, बहुत मिर्ची होती थी। पहली बात है बीफ का कीमा, ये बीफ का कीमा है, बीफ की कीमे के बंदे हैं बहुत मजे के। चलें आप करें, उसके बाद फिर मिलते हैं, बहुत गर्मी है। हाँ, उसके बाद मैं ये ना बनाकर रहती हूँ, फिर बाप को दिखाती हूँ, एक तो बना के दिखाऊंगी किस तरह बना रही हूँ। चलें भी मिक्स कर लें जी। ये देखें 3 गाने बना रही है इस साइज में, मुझे पता है इतने बड़े बनते हैं, इतने बड़े बनते हैं। मैंने किसी की रेसिपी नहीं देखी कितने बने हैं, मैंने अपने दादा से सुना है। बड़े ही बनते हैं ये, फिर अभी इसे लिखते तो चप्पल के बाप कहते हैं, ये चप्पल चप्पल की तरह बनाते हैं, पता है, इससे बड़ा बनाते हैं। तो मेरे से तो इतना बना गया, जैसे ठीक है, जो काटे थे ऊपर नहीं लगाए हमने, चलो ठीक है, बस ये हो गए। हमने चाट बनाने हैं, अभी चाट बनाएंगे, बाद में फ्रेस करते हैं, बना कर रख लेंगे। ठीक है, तो बस मैं अपने पेशावरी चपली कबाब बना के आ गई हूँ, उसका जरा मसाला सेट हो जाए, मैंने फ्रिज में रख दिया। तो कल फ्राई करेंगे, परसों को फ्राई करेंगे, अभी भी नहीं करना फ्राई, परसों में भी करेंगे। चार कबाब बना खा दिए, तो ये जो कपड़े रह गए थे ये भी रख दो। बस ये कपड़े मेरे हो गए हैं, ये देखो ये बच्चों ने खराब किए हैं, ये इससे मैं सही करती हूँ, क्या बनना इतने मेरे ये वाला रखो। हाँ, ये वाला रख लेंगे, बस मेरी कंप्लीट हो गई है। एक ये है तो ये पहना था मैंने, ये और एक ये वाला मैंने बहुत कम पहना हुआ है, आज की बर्थडे पे पहना था मेरे, सेकंड है ना, बहुत प्यारा है ये। ये रह गए बस, मेरे के बस हो गया काम मेरा, बाकी भी जो सेटिंग है बता दूँगी आपको। ऐसे है,
अब मैं ये भी निकाल लूँ, और ये जो कपड़े लाए हैं एक्स्ट्रा इसके लिए जमा नहीं बची आशा, मैं क्या करूँगा इसका लिए मैं सोच रही थी कुछ करूँ मैं। चलो जी ये भी मेरा हो गया है, और ये जो बाकी है ना ये मैं साइड पे रखती हूँ, ये आमला का सूट है स्टिच करवाना आपने मुझे दिया, और स्पेशल जाना है हमने टेलर के पास, आज टाइम नहीं मिला मैं कल जाऊँगी टेलर के पास, इसे मैं यहाँ रखती हूँ, ये मेरा सामान बाकी बाद में रखेंगे ठीक है। तो बस ये लास्ट था, ये बस ये बुक करने लगी उस सेट। चल आयशा मेरी कंप्लीट हो चुकी है अलमारी की सेटिंग, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे आप देख लें मैं आपको दिखाने लगी हूँ। 3 2 1 ये देखें ये मेरे अलमारी की सेटिंग हो चुकी है, ऊपर में बैग्स हैं, नीचे मेरा मेकअप है और साथ कॉस्मेटिक की चीज़ें। तो ये है पाउडर गर्मियों में यूज़ करने के लिए, समर का ये स्पेशल मैं यूज़ करती हूँ ये, और ऊपर मैंने फैंसी सारे अपने कपड़े रख लिए हैं, और ये एक क्वेश्चन है जो लोग पूछते थे कि तुमने अपनी फ्रेंड के नाम से बनाया, अपनी माँ बाप के नाम से नहीं बनाया, लोग पूछते थे कि देखें ये क्वेश्चन मैंने अपनी अम्मी अबू के नाम से बनाया, अपनी अबू के साथ मेरी पिक्चर है, अबू के साथ मेरी पिक्चर है और अम्मी के साथ ऐसे है, कैसा लगा ना आशा। आप लोगों ने देखा मैंने कपड़े रखे हैं सारे, ठीक है ऊपर ये देखिए सारा, और ये मेरे घर में पहनने वाले जो मेरे घर में पहनने वाले सारे ये मेरे कपड़े हैं, और इसके नीचे मैंने ये स्पेशल चीज़ रखी है, मैंने जूती कुछ नहीं रखी, इसके नीचे मैंने सारे समर के विंटर के सारे कपड़े रखे हैं नीचे, और जूती मैंने इधर रख दी है थोड़ी सी थी, तो जो मेरी शादियों पे वगैरह पे पहनने के लिए जूतियाँ जो मैंने अपने बॉक्स में रखी हैं, और जो नीचे समर के लिए जूतियाँ रख दी हैं, और ये मैं सिर की है ना शायद जूतियाँ यहाँ रख दी हैं, और फिर वहाँ पर मेरा पूरा बॉक्स आ गया है विंटर के कपड़ों का, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस अब मैं ठीक हूँ खुशहाल हूँ, तो शुक्र अल्लाह का। चलो अब ना जाके ना करते हैं फ्राई करते हैं आप, ठीक है मेरी अलमारी सेट हो चुकी है न्यू अलमारी, तो आप लोगों को पसंद आई होगी सेटिंग, तो कुछ चीज़ें बस हैं थोड़ी सी रहने लगी है, इतनी भी नहीं है मैं कहीं और रखवा दूँगी, क्योंकि मैं आशा की अलमारी में रखवा दूँगी, खैर है थोड़े से कपड़े हैं कोई है नहीं, इतना भी नहीं है बस कि बस मैं तो बाकी सब कुछ जो चीज़ें थी अपनी बांट दी बस। तो अब ना अभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, अब हम ना कबाब फ्राई करते हैं। तो मरियम आप किचन वगैरह कब सेट करेंगी, अलमारी सेट कर दी किचन भी सेट करें, कितना गंदा किचन हुआ मैं आज, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ना किचन की सेटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो अच्छा मेरा हम करेंगे सफाई किचन की और किचन सेट करेंगे ठीक है। इस वक्त तो फिलहाल बरसात भी आ गई है समझो, चले जल्दी चल रही है, इस गर्मी में इतना काम नहीं होता, मेरे पसीने देखो यहाँ तक मेरा पानी निकल रहा है, तो आपको किसने कहना अब ना आप इतना पसीना कर रही है जल्दी करें आज खाना नहीं हमें भूखे रहना है, चलिए आज तो चले फ्रिज से निकालती हूँ मैं कबाब, और मैंने बस इतने बनाए हैं सही है इतने ठीक है, अभी नहीं बाद हम खाएंगे पहले अम्मी को टेस्ट करवाते हैं, थोड़ा सा सब कर लेंगे टेस्ट, तो फ्लेम को मैं ऑन करती हूँ। चले तो आशा मुझे याद आया कि पैन बड़ा तो गर्म हो चुका है, अभी ऑयल नहीं डालना अभी ना, सब पहले हम ना कबाब को रख के उसमें पानी डाल के फिर स्टीम करेंगे ठीक है, ऐसे दो आएंगे तो डाल जाएगा। चले तो चले ये पानी सूख चुका है, और देखें वो कितनी खूबसूरत हो गया, पानी सूख गया है जो कीमे अच्छी तरह गल चुका है, अब ना इसकी ना मतलब कीमे की कुछ लोगों ने स्मेल कहते आती है, वैसे मुझे स्मेल नहीं आ रही, वैसे ही हल्का सा कलर देने के लिए इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा ठीक है, जिस तरह ना डाइट के लिए बनता है ना आशा वैसे ही है, इसमें बस स्टीम कर लें आप फ्राई करने के लिए, थोड़ा सा मैं इसका कलर दूंगी ना थोड़ा कलर तो आए, इसे हल्का सा मैं करती हूँ फिर उसके बाद लेती हूँ। चले तो फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, तो हमारे पेशावरी चपली कबाब रेडी हैं, ये देखें तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, तो पहले मैंने सोची थी अम्मी को मैं टेस्ट कराऊं, तो अब टेबल पे सब बैठे हुए हैं, वो देखो चले 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 वो देखें सब बैठे हैं, सब बैठे हैं, ये ले चपली कबाब खाने वाले लोग बैठे हैं, पता नहीं मुझे क्या इधर पता चलेगा, मैंने खाना ही नहीं डाल दो मैं
मैं भी ट्राई करती हूँ। वो सॉफ्ट है। सही कर दिया ना। मजेदार। मजे का। गला सही हुआ। तो यहाँ मैं चावल ले आई है। बीफ ऐसे ही खाया जाता कीमा बना के। वैसे ही खाया जाता बीफ। ऐसे स्पेशल कीमा ना मैंने अम्मी से कहा, अम्मी बनवाया मेरे लिए, क्योंकि हम कीमे के साथ कीमे कटके बन जाती हैं, कबाब बन जाते हैं और साथ में कीमे की सब्जी भी बन जाती है। तो मैं खा रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं इतना कैसे लगा, बहुत मजा आया मेरा। मैंने तो बिल्कुल इतना सा खाना था। हाँ। मैं इतना ज्यादा खा रही हूँ, मुझे पहले पता था मैंने सुना था हम भी खाएंगे। मुझे पता जो लगे थे, जो लोग कह रहे थे ना हम भी खाएंगे और सब खाएंगे, तो यहाँ पे तो कोई भी खाना के मतलब कोई बात नहीं, फिर बना देंगे भैया, फिर बना देंगे। अभी अभी कीमा पड़ा हुआ, अभी बना के रखेंगे मसाले वाला। तो ना ये ना जो मैं आप बताएं मोमना आपको कैसे लगे, बैठे बैठे मिल गए इतना मजेदार कबाब। अब इतनी गर्मी में कोई ना बनाए। अम्मी आपको बहुत मजा आया आज, अम्मी की छुट्टी थी, आज कुछ नहीं बनाया अम्मी ने। चले इसी के साथ वीडियो का चले जी, अभी आ गई है, खा के आ गई है। अम्मी दिखाओ हमारी सेट हो गई है, ये देखें, मैं दिखाती हूँ, खोल ले आप। हाँ ये देखें कितने सूट आ गए हैं। आ गए कितने हैं मेरे हाथ से, 24 आ गए हैं। 24 मैं लेके थी, ये इसका सेट लेके थी, चार सेट हैं एंगल्स का, तो मेरे हाथ से 24 आए हैं, जिसमें से जो दो खाली है ना, तो वो मैंने ना साइज के लिए दिए हुए हैं कपड़े अपने स्टिच करवाने के लिए। नीचे मैंने थोड़ी सी हल्की फुल्की जूतियाँ रखी हैं, अनस्टिच कपड़े। हाँ अनस्टिच नहीं है, वो है फैंसी कपड़े शादियों पे जाने वाले, और पीआर भी इसमें मिला था, वो भी हैं। और ये भी खोल लें आप, ये वाली। हाँ ऐसे खोले रखे ना, ऐसे खोले रखो, ये ऊपर बैग्स हैं, सारा कुछ मैंने यहाँ। हाँ ऐसे ही बना हुआ है नीचे। अच्छा ये कपड़े रख लिए मैंने, इसमें मेरे विंटर के सारे कपड़े सेट हुए हैं, सारे पूरे सेट हुए हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ आप देखते हैं ना कि कितनी चलती है। बहुत ही अजीब सी है हमारी, मैंने देखते कह दिया था काम है। चलो अभी ठीक है, बहुत प्यारी लग रही है, सब कुछ सेट हो गया, बहुत हाँ बहुत प्यारा। इसमें भी चीजें रख ली, इसमें भी मैंने चीजें रख ली हैं, लैपटॉप अभी रखा है थोड़ी देर के लिए, उठाती हूँ मैंने, सेटिंग करनी थी साइड पे। चलो ठीक है, चले बंद कर दे। हाँ लेकिन ये ना नीचे लॉक लगवाने वाले रह गए मेरे नीचे, ये पे दो, ये बच्चे बहुत खेलते हैं, नहीं अगर वो बच्चे खोल खोल गए जाएंगे। नहीं नहीं है ना, तुम देख रहे हैं कि क्या है, नई नई चीज को ना बच्चे सारे देखते हैं। चले बैठे हैं आप, तो वो जब भूल जाएंगे ना लगा लगाना, फिर कुछ नहीं होगा। तो आज मेरी चाय भी अम्मी को बहुत पसंद आई, मज़ा आ गया। डेली वैसे हम पीते हैं चाय। और मेरे चपली कबाब कैसे लगे? अच्छा तो आपको पता है उसमें मैंने सिरका और डाला है, और साथ वो टमाटर है, ये जो सिरका भी डाला है, इससे ना आप हजम हो जाएंगे। आपको कभी होता है ना बीफ हजम नहीं होता, तो इससे हो जाएंगे। बैठे ना रेस्ट करें, सारी चीजें हाँ। तो बस ना अपना दुआ करें ये सही रहे, ये इसको कोई मसला ना पड़े, टूट ना जाए, बस चले बस। हाँ चले वीडियो कम पैसों की और हल्की, हाँ उसने तो गिरना ही था, और आते जाते हाथ भी लगते थे सबके। ये तो मजबूत है ना, ये तो मजबूत है, लकड़ी की है। हाँ चले बस, मुझे बड़ी खुशी हो गई कि सारा सामान आ गया। तो आज की जो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे लाजमी बताइएगा। और इसके साथ वीडियो को एंड करती हूँ मैं, है ना अम्मी, तो मेरे इंस्टा को लाजमी फॉलो करें। आप कह रहे हैं अम्मी, मरियम के इंस्टा को लाजमी फॉलो करें, लाजमी फॉलो करें, ऊपर आपको आईडी मिल जाएगा, ऊपर मैं लिंक शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी मैं सोच रही हूँ अम्मी, कि कोई मतलब घर के मतलब की वीडियो होगी, है ना, ठीक है ना। तो उससे जो अगली वीडियो होगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत मज़े की होगी इंशाल्लाह। बस अब वेट करें, और बस और दुआ में याद रखिएगा मेरी अम्मी को, हम सबको। अल्लाह हाफिज़।